साढ़े पिंडे ते झरीटा नहीं मारियां, पिंडे ते लगियां झरीटा दे जख्म जिहड़े आ उह मिट जांदे हुंदे आ। उहने साढ़े दिलां दे उत्ते डूंघे जख्म कीते आ, और इह जिहड़े डूंघे जख्म आ इह भरने नहीं आ। समुंदर सुक सकदे आ, धरती हिल सकदी है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण ते इह 84 भुली नहीं जाणी है। ते जे असीं जालमां नाल टक्कर लैणी है ते सानू बिखरी हुई शक्ति नू कट्ठियां करना पएगा। असीं 84 तों बाद कदे सिर जोड़ के बैठे भी नहीं आउने आ, अरदास च शामिल हुंने आ, अपणियां भावनावां अपने जज्बातों को जिहड़ा वो प्रगट करते हैं तो फिर घर चले जाने। इन्हां मतभेदां तो उपर उठिए, इन्हां मतभेदां तो उपर उठ के श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच इकट्ठे होइए। मैं नहीं कहना मेरी अगवाई च चलो, हम आदमी हाँ एकदमी, मैं अज हाँ कल नूं नहीं होवांगा, पर श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती इकट्ठे जरूर होइए। विचोली अड के आप जी नूं, क्योंकि सारा पंथ इकट्ठा है, पंथ दीआं नामावर संस्थावां इकट्ठियां ने, अज बैठियां ने, मैं सारिआं नूं झोली अड के इहो अपील करदा कि श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई च असीं सिख शक्ति नूं इकट्ठा करिए। कोई लोड़ नहीं है सानूं इंसाफ मंगण दी झोली अड। नहीं देना उन्होंने, उन्होंने तो बरतांत सिरजना शुरू कर दिता। सरकार को असं दस देना चाहते हैं कि ये जिहड़ा 84 का दुखांत वापरिया है, ये साड़ी कमजोरी नहीं है, ये सानू कमजोर नहीं करता है, ये सानू मजबूत करता है। भुलेखे च ना रहे, ये 84 का जिहड़ा दुखांत है ये सानू मजबूत करता है, मजबूर नहीं करता, कमजोर नहीं करता, ये सानू मजबूत करता है। जिन्ना 84 याद करांगे, जिन्ना 84 कोई सानू याद करवाऊगा, असी उन्ने मजबूत होवांगे, क्योंकि असी डरन वाली कौम नहीं है, घबराउण वाली कौम नहीं है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब जी दे आभा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब दे उपर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी हजूरी च जुड़ बैठी सात संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सन 1984 दे विच जो दुखांत वापरे है घल्लूघारे का, उहदी याद दे विच जुड़े बैठे हैं। उस वेले दी भारत सरकार ने इस दिन 1984 दे विच साढ़े पिंडे ते झरीटा नहीं मारियां, पिंडे ते लगियां झरीटा दे जख्म जिहड़े आ उह मिट जांदे हुंदे आ। उहने साढ़े दिलां दे उत्ते डूंघे जख्म कीते आ, और ये जिहड़े डूंघे जख्म है ये भरने नहीं है। सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुंदर सुक सकदे है, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण ते ये 84 भुली नहीं जानी है, क्योंकि जख्म बड़े गहरे, जख्म बड़े डूंघे, और जिन्होंने जख्म दिते उन्होंने तो मलम लाउणी की सी। उदों बाद जिहड़े हुक्मरान आए उन्होंने भी मलम लाउण का कोई यतन नहीं किया, और ना ही असीं उम्मीद करते। जालम सरकारां तो कदी उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वो बहुत ही सियाणप नहीं हुंदी। लोड़ हुंदी है अपने आप नूं मजबूत करन दी,
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਰਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਿਖਰ ਜਾਈਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्योंकि साड़ी शक्ति का जिहड़ा मुख स्रोत है वह पिंडां दे विच है। असीं पिंडां चों ताकत इकट्ठी करिए, काफले बन के तुरिए, साड़ी उस शक्ति नूं नशियां दे नाल नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, साड़ी उस शक्ति नूं सोशल मीडिया राहीं गंदी फीड दे के भ्रष्ट किया जा रहा है। असीं अपनी सिख शक्ति नूं, सिख नौजवानी नूं बचाउण दा उपराला करिए। आ वोटां वाले नहीं, वोटां वेले रुसियां नूं मनाउंदे हुंदे, असीं काफले बन के तुरिए, जिहड़े साडे तों दूर जा चुके ने, पतत हो चुके ने, नशियां दा शिकार हो चुके ने, जां अनमतां वल जा रहे ने, असीं उहनां नूं मोड़ के असीं श्री अकाल तख्त साहिब वल लै के आईए। दसीए उहनां नूं कि साडा असली घर आ है, जिन्हों गुरु नानक साहब के दर तो कदे कुछ नहीं ना मिलिया, सारा जहान घूम लिया, उन्होंने मिलना कितने भी नहीं है, क्योंकि इस दर तो वड्डा कोई दर नहीं है। साध संगत जी, इस घर तो वड्डा कोई घर नहीं है। इस करके असी इस घर नूं, इस घर दे नाल अपनी नौजवानी नूं जोड़न का यतन करिए। बहुत कुछ कहना दिल च है पर समा इजाजत नहीं दिंदा। बस इहो ही है कि असी सिख शक्ति संभाल लईए, फिर सानू किसी सरकारां तों भीख मंगण जाण दी लोड़ नहीं है, फिर सानू किसी दे अगे हाथ अड्डण दी लोड़ नहीं है। जो कुछ करना है, जो कुछ असी करना चाहुंदे हां, जां जो साडे दिलां च है, उह असी आप कर सकदे हां। आप सिख शक्ति जे इकट्ठी होगी ना, तां असी इत्थे सरकार नूं लिया के झुका सकदे हां। जे सिख शक्ति असी इकट्ठी कर लईए, आओ सारे रल मिल के बैठिए, धार्मिक तौर पर भी मजबूत होइए, समाजिक तौर पर भी मजबूत होइए, राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होइए, और आर्थिक तौर पर भी मजबूत होइए। अज असी आर्थिक तौर पर भी पछड़ते जा रहे हैं। अंत दे विच मैं सारयां दा ही दिल दीयां गहराइयां तों धन्नवाद करदा, क्योंकि असी याद पता किहनूं कर रहे हैं, मरदे मुजाहद संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, जिन्हां ने इत्थे शहादत दित्ती। अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, जनरल भाई सुबेक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, भाई महंगा सिंह जी बबर, ते अणगिणत सिख, इत्थों तक छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग जिन्हां ने अज दे दिन शहीदियां दित्तियां, असीं उहनां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए। एक सरकार नूं असीं दस देना चाहुंदे हां कि यह जिहड़ा 84 का दुखांत वापरिया, यह साडी कमजोरी नहीं है, यह सानू कमजोर नहीं करता है, यह सानू मजबूत करता है। भुलेखे च ना रहे, कई बार सोशल मीडिया से देखते हैं ना, असं 84 का नाम लैके धमकियां दित्तियां जांदियां सिखां नूं, यह 84 का जिहड़ा दुखांत है, यह सानू मजबूत करता है, मजबूर नहीं करता, कमजोर नहीं करता, यह सानू मजबूत करता है। जिन्ना 84 याद करांगे, जिन्ना 84 कोई सानू याद करवाऊगा, असी उन्ने मजबूत होवांगे, क्योंकि असी डरन वाली कौम नहीं है, घबराउण वाली कौम नहीं है। मैं शहीद परिवारों के बहुत सारे मैंबर आए ने, अलग अलग पोलीटिकल पार्टिया के नुमाइंदे बैठे ने, सिखां दीआं पोलीटिकल पार्टिया के नुमाइंदे बैठे ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मैंबर साहबान, सारा स्टाफ, होर सारिया जथेबंदियां संप्रदावान, सबका सिंह साहबान, मौजूदा सिंह साहबान बैठे ने, मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अज के दिन हाजरिया भरिया ने। एक अपील मैं फिर करदा सारे प्रचारक साहबानों, साधु महात्मावान, सारे ही सबका सिंह साहबानों, मौजूदा सिंह साहबान, कि आओ काफले बन के पिंडां दे विच, कमर कसे बन के पिंडां दे विच निकलिए, प्रचार करिए और सिख शक्ति नूं मजबूत करिए, सिख शक्ति नूं इकट्ठियां करिए, क्योंकि सरकारां साडी शक्ति नूं बखेर रहियां ने, खंडा रहियां ने। असी श्री अकाल तख्त साहिब दी सरप्रस्ती च इस बिखरी हुई ताकत नूं इकट्ठी करके असी ऐसी ढाल बनाईए, ऐसी तलवार बनाईए, जिहड़ियां जालम दीआं गर्दनां जिहड़ियां कट के ते साडे पैरां दे विच सुट सके। इन्ने शब्द प्रवान करने, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।